या प्रभु चरिति पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुनाम दिनारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपाल बताइए, उस कौवे ने प्रभु को यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहुए तु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सिद्धों की राज श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहो कवन विधि भा संबादा, दो हरि भगति काग उरि गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काक भुसंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आनंद के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनीति तिहाशा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नाशा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब हुआ परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने में सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर भी नहीं प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति की निकाग सन जाए, सो सब सादर कहियो सुनो उमा मन लाए। पंछी राज गरुड़ जी ने भी जाकर काक भुसंडी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं अब वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनी सुमखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तो अवतारा, सती नाम तब रह तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, सुमुखी हे सुलोचनी वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब पाप माना, तुम अति क्रोधित तजे तब प्राणा। मम अनुचरा कीनि भक मंगा भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरिति तड़ागा, कौतुक देखते फिरो बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेरे उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं, उनमें से चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला। सैलो परिसरी सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मनी मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल अमल मधुरी जले, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कल रो हंसगन, गुंजत मंजुल वृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं।
हे हंसगण मधुर स्वर बोल से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं।